हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन इंडिया। तो आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड के उपचुनाव के बारे में, जिसके नतीजे सामने आ चुके हैं और जनता का जनादेश भी देखने को मिल चुका है, जहां पर तृणमूल कांग्रेस को तगड़ी जीत मिली है। तो अभी हम आपको इसके बारे में ही संपूर्ण जानकारी बताएंगे, तो इसलिए आप वीडियो पूरा का पूरा जान प्रकाश तक देखते रहिए। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए अभी हम बात करते हैं बीजेपी को लगे तगड़े झटके के बारे में और बंगाल और उत्तराखंड के उपचुनाव के नतीजों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर पश्चिम बंगाल के उपचुनाव के नतीजों के बारे में, जहाँ पर टीएमसी की तरफ से तीनों सीटों पर कब्जा किया गया और टीएमसी ने जो है खड़गपुर सदर, कलियागंज सहित कमीरपुर की सीट अपने नाम कर ली और इसी के साथ ही भाजपा को जो है पश्चिम बंगाल में तगड़ा झटका दे दिया है। और इसके बाद जो है ममता बनर्जी ने कहा दिया है कि अहंकार की राजनीति भाजपा को ले डूबी है और लोगों ने भाजपा को ठुकरा दिया, ये बड़ा बयान भी दे दिया है ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के उपचुनाव को लेकर। और इसी के साथ जो है टीएमसी की परचम लहर देखने को मिल चुकी है एक बार फिर से पश्चिम बंगाल राज्य में। और वहीं अब बात करते हैं उत्तराखंड की पिथौरागढ़ सीट की, जहां पर बताया जा रहा है कि भाजपा की प्रत्याशी चंद्रा पंत पूरी तरह से जीत की राह पर चल पड़ी है और वह अभी जो है आखिरी राउंड की गिनती तक जो है 3100 वोटों तक आगे चल रही है। और ऐसे में यह बताया जा रहा है कि भाजपा की जीत उत्तराखंड में तेज लग रही है और कांग्रेस की हार चल रही है पिथौरागढ़ सीट पर। तो इस प्रकार से बड़ी खबर आ रही है उपचुनाव नतीजों को लेकर, जहाँ पर भाजपा को अब की बात एक सीट मिली है तो वही तृणमूल कांग्रेस ने तीन सीटों पर कब्जा कर लिया है और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है। तो इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी रही है बंगाल और उत्तराखंड के उपचुनाव नतीजों की, जहां पर टीएमसी की तरफ से जीत दर्ज की गई और बीजेपी पूरी तरह से नाकाम भी रही है। तो इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी है उपचुनाव नतीजों की। तो यदि आपको ये संपूर्ण जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।